नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जयशा सर्वाधिकारी। नावाड़ी बोकारो से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट। बीसीसीएल के प्रक्षेत्र संख्या 2 के चंडुआडी स्थित बीसीसीएल कॉलोनी की क्वार्टर संख्या 105 का छज्जा टूटकर मालवा गिरने से दूसरे क्वार्टर का बालकोनी का छज्जा ढह गई। उस दौरान गृह स्वामी व स्वजनों क्वार्टर के बाहर रहने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस क्वार्टर में बीसीसीएल कर्मी जगन्नाथ महतो रीजनल अस्पताल बागवाड़ा में विद्युत कर्मी के पद पर कार्य है। उन्होंने घटना की सूचना तत्काल बीसीसीएल प्रबंधन को कर दी है। जिला परिषद सदस्य सह चंडुआडी बीसीसीएल कॉलोनी निवासी नवीन कुमार महतो ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बीसीसीएल प्रबंधन से मांग करता हूं कि पूरे आवासीय कॉलोनी की आवासों को बरसात के पूर्व मरम्मत कराई जाए। जर्जर क्वार्टरों में रह रहे श्रमिकों के परिवारों को हर वक्त हादसे का भय बना रहता है। इसके पूर्व भी कई क्वार्टरों का छज्जा एवं छत का प्लास्टर गिरने से परिवार घायल भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पूर्व ग्लोबल टेंडर के तहत आवासीय क्वार्टरों का घटिया स्तर से मरम्मतीकरण किए जाने के वजह से आए दिन ऐसी तरह की घटना होते रहती है। ये कौन सा कॉलोनी है? ये चंदवाड़ी बीसीसीएल कॉलोनी है। तो यहाँ क्या घटना घटा? जो एरिया 1 और एरिया 2 दोनों का क्वार्टर है, यहाँ पे अभी 40 वर्षों से क्वार्टर बना हुआ है। इसके बाद ना मरम्मती के नाम से बीसीसीएल सिर्फ खाना पूर्ति करती है। अभी आप देखते हैं कि बगल में जितने भी इधर क्वार्टर का आई है, हर पानी मैंने जर्जरा अवस्था में आप देख सकते खुद भी, वो फिर भी बीसीसीएल के प्रबंधक चैन की नींद सोई हुई है। अभी जो घटना घटी आज, वो तीन तल्ला का छत जो देख रहे हैं 105 क्वार्टर नंबर, तीन तल्ला पूरा का जो बालकनी है पूरा का पूरा ढह के गिर गया। जो दो तल्ला पे उसका पूरा मलबा जमा है, नीचे वाले लोग भी बाल बाल बचे हैं और दो तल्ला वाले लोग भी बाल बाल बचे। इस तरह का घटना लगभग हर ब्लॉक में हो रही है। और बीसीसीएल से मैं आग्रह करूंगा और चेतावनी भी दूंगा कि एज ए सांसद प्रतिनिधि होने के नाते और यहाँ का स्थानीय जिला परिषद होने के नाते मैं आगाह करूंगा कि जल्द से जल्द पूरे आवासीय कॉलोनियों का मरम्मती करें। और अभी जो जिसके यहाँ घटना घटी है, जो मलबा गिरा है, तीन तल्ला का छत जो गिरा है बालकोनी, उसको यथाशीघ्र मरम्मती करें। और मैं कहूँगा कि पूरा बीसीसीएल जो चंदवाड़ी बीसीसीएल कॉलोनी का सारा क्वार्टर जर्जर अवस्था में, यहाँ पे ना ढंग से पानी चढ़ता है, पाइपलाइन का काम हमको लगता है कि स्टार्टिंग समय में हुआ होगा और उसके बाद कभी भी पाइपलाइन का काम नहीं हुआ है। आप क्वार्टर के चारों तरफ आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सारे लोग पाइप के माध्यम से टंकी में पानी ले जाते हैं। इसलिए मजदूर से ही बीसीसीएल चलता है और बीसीसीएल जो आज अपने आप को मुनाफे पे ले जा रही है, और जो आपका काला हीरो जिसको हम लोग मानते हैं, मजदूर के बल पे ही और मजदूर के कारण ही है। इसलिए मैं बीसीसीएल प्रबंधन से आग्रह करूँगा कि यथाशीघ्र मरम्मती का काम करें। अभी इसकी शिकायत दी गई है क्या? जी, विभागीय स्तर पे इसकी शिकायत जो जिनका आवास है जगन्नाथ जी, वो अपने स्तर से सारे लोगों को दे दिए हैं। खिड़की क्या क्या दिखाए ये खिड़की।